मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। आज की परिस्थितियों को डिफाइन अगर करना हो तो सबसे बेहतर ढंग से एक उदाहरण से किया जाता है, जा सकता है कि देश की राजनीति अभी इस मसले पर टिकी हुई है कि हनुमान जी की जाति क्या, हिंदू है, मुसलमान है, जाट है, दलित है, इस पर चर्चा हो रही है देश में। और जो देश के सबसे गंभीर मुद्दे हैं, ये जो नोट आपको अभी मिला है उसमें भी सबसे पहला पॉइंट है कि शिक्षा पर जो सरकार का खर्च है वो स्वतंत्र भारत में इस सरकार ने सबसे कम किया है। आज के समय में शिक्षा आम भारतीयों की पहुंच से दूर होती जा रही है, इसमें कोई किसी को एक दूसरे को कन्विंस करने की जरूरत नहीं है। ऐसी परिस्थिति में जहां पे 24 लाख से भी ज्यादा सैंक्शन और वेकेंट पोस्ट गवर्नमेंट है, 24 लाख से भी ज्यादा सैंक्शन पोस्ट है जो वेकेंट है इस समय, उसमें 11 लाख के करीब वो है जो सिर्फ एजुकेशन सेक्टर से है, प्राइमरी एजुकेशन, हायर सेकेंडरी एजुकेशन। स्पीकर साथ में रखो, वो भी ले डिस्ट्रैक्शन ही हो जा रहा है। हाँ, तो 11 लाख तक जो 24 लाख में है वो सिर्फ एजुकेशन सेक्टर में है। तो जिसको एड्रेस करना था, जिस इशू को एड्रेस करने की बजाय जो सरकार करती आई है पिछले 5 सालों से, ये हमने आपने सबने देखा है कि राइट फ्रॉम FTII पुणे टू हैदराबाद टू AMU टू अलाहाबाद यूनिवर्सिटी टू जादवपुर यूनिवर्सिटी टू बनारस हिंदू टू पंजाब यूनिवर्सिटी टू जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, मतलब ऐसे देश के कोने कोने में कोई भी विश्वविद्यालय बचा नहीं है जहां पे कि इस सरकार ने छात्रों की आवाज को ही नहीं, एक तरह से लोकतंत्र को और कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान का हनन करने की कोशिश की है। देखिए, यूनिवर्सिटी जो है, यूनिवर्सिटी हमारे देश में जो आइडिया ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, मैं अक्सर कहता हूँ यूनिटी इन डाइवर्सिटी को मिला के ही शायद यूनिवर्सिटी बना है। और जब यूनिवर्सिटी पे अटैक हो रहा है, मतलब कि हमारे वेरी आइडिया ऑफ इंडिया पे अटैक हो रहा है पिछले 5 सालों में एक के बाद एक लगातार हर विश्वविद्यालय पे इस सरकार ने इसी तरह का अटैक किया। और अगर किसी ने सबसे तरीके से फाइट बैक किया है इस सरकार के खिलाफ, और अगर किसी ने सबसे तरीके से फाइट बैक किया है इस सरकार के अगेंस्ट, तो वो देश के स्टूडेंट्स है, देश के युवा है। और अभी 10-15 दिन पहले आपने देखा कि वो देश के किसान है। तो अभी के चुनाव के सीजन में जहां पे कोशिश ये हो रही है कि राजनीति हिंदू मुसलमान के मुद्दे पर हो, हम लोग स्वराज इंडिया में भी, किसान आंदोलन में भी, और इस मुहिम के जरिए भी लगातार कोशिश कर रहे हैं कि राजनीति किसान नौजवान के मुद्दे पर हो, हिंदू मुसलमान के मुद्दे पर हो, उसी लार्जर ऑब्जेक्टिव के तहत ये यंग इंडिया स्पीक्स नाम का जो फोरम बना है, शिक्षा, बेरोजगारी और जो इंस्टीट्यूशन को मदद करने की कोशिश है, मुद्दों को एड्रेस करने की बजाय आप देख रहे हैं कि यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन को में अपने लोगों की सब स्टैंडर्ड लोगों की नियुक्ति करके किसी तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश हो रही है। बेरोजगारी के मुद्दे को एड्रेस करने की बजाय बेरोजगारी के जो इंडिकेटर्स हैं मुद्दे को तो एड्रेस नहीं करते, लेकिन लोगों को मुद्दे के बारे में पता चल जाएगा तो वो लेबर ब्यूरो का जो सर्वे आता है जिससे पता चल सकता है कि रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, उस सर्वे को ही डिसकंटिन्यू कर दिया। तो इस सरकार की जो खासियत है वो ये कि क्योंकि हम, आप और देश के आम लोग, हम लोगों को नहीं पता चलेगा कि देश में बेरोजगारी की दर क्या है, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो देश में जो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस होता है उसके माध्यम से पता चलेगा। अब हम तो जांच करने नहीं जाएंगे ना कि राफेल में घोटाला हुआ कि नहीं, वो तो सरकार जांच करवाएगी तो पता चलेगा, हमें हम जा पाते फ्रांस तो चले जाते। अब जैसे UPA में CAG ने बताया हमें कि 2G हुआ, कॉमनवेल्थ हुआ, देश का कोई आम नागरिक तो नहीं गया था पता करने के लिए कि कॉमनवेल्थ में कौन सा घोटाला हो गया। तो अगर इंस्टीट्यूशंस को, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन को अगर रोक दिया जाए और उसके बाद ढिंढोरा पीटते रहे कि नहीं कि हम तो बड़े ईमानदार हैं, इसका तो कोई दुख ही नहीं है।
वो हो रहा है आज देश में कि शिक्षा बेरोजगारी के मसले को एड्रेस करने के बजाय शिक्षा के स्तर पे यूनिवर्सिटीज को मजल किया जा रहा है, वहां के एडमिनिस्ट्रेशन में बिल्कुल। और ये भी मुझे कबूल करना चाहिए कि जो पहले की सरकारें नहीं है, पहले की सरकार इंस्टीट्यूशंस में इन जनरल और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में इन पर्टिकुलर अपने लोगों को ही हर जगह सेट करने की फिट करने की कोशिश सबने की है, लेकिन जिस निर्लज्जता से पिछले 5 साल में ये काम हो रहा है इसका कोई साली नहीं है, इसका पिछले 70 में कोई भी एक भी एग्जाम्पल नहीं है। तो यंग इंडिया स्पीक्स के माध्यम से जो 7 फरवरी को लाल किला से पार्लियामेंट स्ट्रीट तक जो मार्च होने वाला है उसको देश भर के कई यूनिवर्सिटी यूनियन रिप्रेजेंटेटिव का समर्थन, देश के कई संगठनों का समर्थन और ऐसे हर कोशिश का स्वराज इंडिया को का यूथ फॉर स्वराज का समर्थन रहेगा, जो इस देश में हिंदू मुसलमान की राजनीति की बजाय किसान नौजवान की राजनीति को आगे बढ़ाएगा। धन्यवाद दोस्तों।